मैं आपका जीएम एक बार से फिर अपने यूट्यूब चैनल जीएम सर पर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे क्लास टेंथ के लिए निर्देशांक ज्यामिति, इसमें इसकी प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इससे पहले भी मैं निर्देशांक ज्यामिति और बहुपद से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उन सभी वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज अपन 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1, बिंदु -2 7 तथा बिंदु 3 -3 सरैंक है। तो सरैंक होने का मतलब क्या है कि ये जो तीन बिंदु है, ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपने पास तीन बिंदु है, तो इस बिंदु पहले बिंदु को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं 1 1 को। उसके बाद बी अपन मान लेते हैं -2 और 7 को। उसके बाद अपन सी मान लेते हैं आपका 3 और -3 को। तो ये तीन बिंदु हैं। अब इन तीन बिंदुओं में अपन इस दूरी सूत्र की सहायता से तीन दूरियां ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी, एक ज्ञात करेंगे ए बी, एक करेंगे बी सी और एक ज्ञात करेंगे सी ए। तो सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात करते हैं ए बी, ए बी अंडर रूट। तो ए बी सी का कोई मतलब नहीं है, ए बी। तो ए बी में अपन को देखना है एक्स वन कौन है, एक्स टू कौन है, वाई वन कौन है, वाई टू कौन है। तो एक्स वन आपका हो जाएगा 1 और एक्स टू आपका हो जाएगा -2, वाई वन हो जाएगा +1, वाई टू हो जाएगा +7। तो बड़े कोष्टक में अपन लेंगे, सबसे पहले आपका है एक्स वन। तो एक्स वन सी से कोई मतलब नहीं है, एक्स वन ए बी में देखिएगा एक्स वन, एक्स वन हो जाएगा आपका +1। उसके बाद है माइनस, तो माइनस। उसके बाद है एक्स टू, एक्स टू आपका -2 है, तो ये -2 है इसलिए इसको छोटे कोष्टक में रख देंगे, छोटा कोष्टक बन फिर बड़ा कोष्टक बन, घात 2 प्लस। उसके बाद है y1 - y2, तो y1 आपका है +1। उसके बाद -y2 आपका है +7, घात 2। अनरूट का अनरूट, कोष्टक 1 का 1, माइनस और माइनस का गुणा होकर हो जाएगा प्लस, आगे 2 2, घात 2। 1 - 7, 1 - 7 आपका हो जाएगा -6 - 6 की घात 2। अनरूट का अनरूट, यहाँ 1 और 2 आपका जुड़कर हो जाएगा 3 3 की घात 2। इधर आपका -6 की घात 2 पहले से है, तो आगे देखिएगा बराबर में 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का उत्तर हो जाएगा 3 गुणा 3 करके 9। इधर -6 की घात 2 यानी कि -6 गुणा -6 हो जाएगा +37। तो अनरूट में 9 और 37 जुड़कर आपका हो जाएगा 45। तो अनरूट में 45, तो अपन अनरूट में 45 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 5। अनरूट 45 है तो अपन को, अपन ने लिख दिया 9 गुणा 5, तो आप 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 9 का वर्गमूल है 3 यानी कि यह आ जाएगा 12, पीछे बच जाएगा आपका अनरूट में 5। अनरूट 45 को 9 गुणा 5 लिखा, 9 का वर्गमूल 3 बार आ गया और अंदर बच गया अनरूट में, बच गया 5। तो इस प्रकार आपकी एक दूरी ज्ञात हो गई ए बी, ए बी आपकी आ गई 3 अनरूट 5। अब इसी प्रकार अगली दूरी ज्ञात करेंगे बी सी, दूरी सूत्र की सहायता से। तो देखो बी सी में अपन को ए का कोई मतलब नहीं है, तो बी सी ए का कोई मतलब नहीं है बी सी। अब अपन को बी सी में ही एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू देखना है। तो बी सी में एक्स वन आपका हो जाएगा -2, एक्स टू हो जाएगा आपका +3, वाई वन हो जाएगा +7 और वाई टू हो जाएगा आपका -3। तो एक्स वन आपका हो जाएगा -2, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो और एक्स टू आपका हो जाएगा +3, तो यहां आ जाएगा 3। उसके बाद घात 2 प्लस का प्लस। उसके बाद यहां बड़े कोष्टक में लेंगे, क्योंकि y1 आपका है +7, उसके बाद है माइनस, तो माइनस, छोटे कोष्टक में y2 आपका है -3, इसीलिए बड़े कोष्टक में लिया था क्योंकि यहां -3 था, माइनस और माइनस को अलग लिखने के लिए। 2 माइनस आ रहे हैं, 1 माइनस ये तो सूत्र में है और ये -3 के साथ है यानी कि -3 है। तो अनरूट में यहां आपका -2 और -3 जुड़कर हो जाएगा -5 - 5 की घात 2 प्लस का प्लस। इधर 7 का 7 माइनस और माइनस गुणा होकर +3 घात 2। तो अनरूट में आपका हो जाएगा इधर -5 की घात 2 यानी कि -5 गुणा -5 करने पर आ जाएगा +25। इधर
कोष्टक में 7 और 3 जुड़कर हो जाएगा 10, 10 की घात 2। तो अंडरूट में 25 का, तो एक बार 25 प्लस इधर 10 की घात 2 यानी कि 10 का वर्ग, 10 गुना 10 करने पर आपका आ जाएगा 100। तो इधर 25 प्लस 100 है अंडरूट में, तो इधर 25 का वर्गमूल आपका देखो 25 प्लस 100 जुड़कर हो जाएगा अंडरूट में 125। तो 125 को आप लिख सकते हो अंडरूट में 5 गुणा 25। 25 और 100 जुड़कर हो गया अंडरूट में 125, तो बराबर अंडरूट 5 गुणा 25। 5 और 25 का गुणा करने पर वापस 125 आएगा। तो 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5, यानी कि 5 आ गया बाहर और अंदर बच गया अंडरूट 5। 125, 25 और 100 की जोड़ 125, 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 25। तो 25 का वर्गमूल 5 बार आ गया और अंदर कोष्ठक में अंडरूट में बच गया 5। तो इस प्रकार एक दूरी ज्ञात हो गई बी सी बी, 5 अंडरूट 5। ठीक है, अब लास्ट एक दूरी रही है सी ए। सी ए दूरी ज्ञात करेंगे और तीन दूरियों की सहायता से अपन सिद्ध करेंगे कि यह बिंदु सरेंख है। तो सी ए अंडरूट में ही रहेंगे सी ए। देखो इसमें अपन को बी का कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर अपन को सी ए मतलब है। तो इसमें सी ए अपन सी से ए की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां एक्स वन आपका हो जाएगा प्लस का 3 और एक्स टू आपका हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद आपका वाई वन हो जाएगा -3 और वाई टू हो जाएगा +1। तो कोष्टक में देखिएगा एक्स वन, तो एक्स वन आपका है प्लस का 3 माइनस एक्स टू आपका है +1। कोष्टक बंद, घात 2। उसके बाद है वाई वन, वाई वन आपका है -3। उसके बाद माइनस का माइनस, वाई टू आपका है +1, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 घात 2। अंडरूट में इधर 3 में से 1 जाकर हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस इधर -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 की घात 2। अंडरूट का अंडरूट 2 का वर्ग 2, यानी कि 2 गुणा 2 करने पर आपका आ जाएगा +4। इधर -4 का वर्ग, -4 गुणा -4 हो जाएगा आपका +16। तो अंडरूट में आपका हो जाएगा 4 और 16 20। तो अंडरूट में आ गया 20। तो अंडरूट 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 5। इधर अंडरूट में 20 आ गया, 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 5। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बार आ जाएगा और अंदर कोष्टक में बच जाएगा 5, सॉरी अंडरूट में बच जाएगा आपका 5। 4 गुणा 5 लिख सकते हो 20 को, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और अंडरूट में आपका बच जाएगा 5। तो इस प्रकार आपकी सी ए हो गई 2 अंडरूट 5। तो ये तीन दूरियां ज्ञात हो गई। अब क्या करना है सरेंख सिद्ध करने के लिए, जो सबसे बड़ी दूरी है, जो सबसे बड़ी दूरी है उसके बराबर हो जानी चाहिए उसकी दोनों छोटी दूरियों का योग। यहां सबसे बड़ी दूरी है आपकी बी सी, तो बी सी आपकी बराबर हो जानी चाहिए दोनों छोटी दूरियों के योग के। तो दोनों छोटी दूरियां एक है आपकी ए बी और प्लस है सी ए, तो बी सी आपकी थी 5 अंडरूट 5 बराबर ए बी, ए बी आपकी है 3 अंडरूट 5 प्लस सी है आप सी ए आपकी है 2 अंडरूट 5। तो 5 अंडरूट 5 का, तो 5 अंडरूट 5 आ गया, इधर 3 अंडरूट 5 और 2 अंडरूट 5 जुड़कर हो गए 5 अंडरूट 5। तो 5 अंडरूट 5 अंडरूट बराबर है 5 अंडरूट 5 बराबर है 5 अंडरूट 5, इसलिए ये तीनों बिंदु सरेंक है। और भी क्लास 10th की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज, यदि अच्छा लगे तो। धन्यवाद।